हीलिंग क्या है और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। तो मैग्निफाइड हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है जो हमें परमात्मा के साथ डायरेक्ट हमारे को कनेक्ट करती है। हमें सीधा हमारी पावर्स को इतना इनहेंस कर देती है, हमारी सोल को इतना पवित्र बना देती है कि हमारा डायरेक्ट उस यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है। जैसा हम लोग रेकी सीखते हैं, हम लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं या हम लोग थीटा हीलिंग्स करते हैं, इन सब हीलिंग्स के अंदर हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस यूनिवर्स के साथ। उसी तरीके से हम मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर और भी ज्यादा, जैसे हम लोग हर चीज के अंदर हमारे सिंबल्स को हम यूज करते हैं, हालांकि हम मैग्निफाइड हीलिंग में भी सिंबल्स को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस यूनिवर्स के साथ। यहाँ पर हम जब मैग्निफाइड हीलिंग में जब हम किसी को हीलिंग करते हैं तो यहाँ हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब तक हम अपने उस लेवल तक वहां पर पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। बाकी हम जो भी मोडालिटीज सीखते हैं वहां पर हम हमेशा प्रोटेक्शन लेकर हीलिंग्स करते हैं, क्योंकि हम किसी के ऑरा में जाते हैं और जब हम किसी के ऑरा में जाते हैं तो वो कभी कभी वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाती है। अगर हमारी एनर्जी लेवल लो है, हमने प्रोटेक्शन नहीं ली, कई बार हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं लेकिन हमारी एनर्जी लो होती है जिसके कारण हम लोगों को भी उस चीज से प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि हम लोग रेकी, जैसे मैं यहाँ पे रेकी सिखाती हूँ, मैं यहाँ पे एंजल हीलिंग्स कराती हूँ, अभी हमारा वॉयलेट फ्लेम कोर्स चल रहा है, इसके साथ साथ मैं करुणा रेकी की क्लासेस भी लेती हूँ। तो जहां तक मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं, आपकी एनर्जीज हाई होती हैं, तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज हाई होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, और जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो जो भी आपके ऑरा में आता है वो ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाता है। हम लोग रेकी में ये अफर्मेशन जब हमारे लेवल 3 की जब हम क्लासेस लेते हैं तो हमने प्रॉपर इसके ऊपर एक मेडिटेशन तैयार किया है जिसके अंदर हम ये अफर्मेशन डालते हैं कि जो भी हमारे ऑरा में आता है वो ऑटोमेटिक हील होता है। उसके अलावा हम जब भी क्लासेस लेते हैं, हर क्लास में मैं ये चीज बोलती हूँ कि आपको इस अफर्मेशन पे काम करना है। धीरे धीरे आपका जो ऑरा होता है वो वीक वो सॉरी आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, और जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है तो आपको इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ऑरा वीक है तब आप कितनी भी प्रोटेक्शन ले लो, आप दूसरे के ऑरा में जाने के बाद आपके ऊपर वो एनर्जी अटैक करती हैं किसी भी रूप में। अगर आप कभी देखेंगे एज अ हीलर, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो किसी की हीलिंग करते हैं तो जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होती है वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोग फिर हीलिंग करने से डरने लगते हैं। बहुत लोग सीखते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन वो हीलिंग्स नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है या वो उतना प्रैक्टिस नहीं करते, और कभी कभी ये कार्मिक भी होता है, क्योंकि कार्मिक जिसको परमात्मा ने चुना है वही उस मुकाम तक पहुंचे। लेकिन आप मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर, आप जो मैग्निफाइड हीलिंग है ये भी हमारे पास से ही चली आ रही होती है, जो हमारे पास लाइफ के अंदर जो हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्योंकि आप सबकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी होगी तभी आप सब यहाँ पर बैठे हो, है ना। तो जो हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी हो रही होती है पास से, जो हमारी चली आ रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो जर्नी को बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हमने जब उसको किया होता है तो वो हमें आगे चलकर उसको और पावरफुल करने के लिए हम इन मोडालिटीज के साथ जुड़ते हैं। मैग्निफाइड हीलिंग के साथ हम उसको और पावरफुल करने के लिए जुड़ते हैं। हालांकि जब भी हम मैग्निफाइड हीलिंग का नाम आता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपको मास्टर, मतलब रेकी मास्टर अगर आप हैं तो आप इसको ज्वाइन करें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप रेकी मास्टर नहीं है लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, किसी भी तरीके से आप उस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी पावर्स अच्छी हैं, आपके अंदर किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है, मतलब कहने का है कि आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने कामों को कर रहे हैं, उस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं जो आपको
एक स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है, जो आपको धर्म सिखाता है। अगर आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी हाई होंगी, तो आप मैग्निफाइड हीलिंग को कर सकते हैं।